हाय फ्रेंड्स, मैं मालविका देसाई और एमडी इस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो ये देखिए, वीडियो की शुरुआत ये एडेनियम के प्लांट से कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत फूल खिल के आ रहे हैं देखिए, पर इसमें ये ठीक से अच्छे से खिल नहीं रहे हैं। इसको मुझे अच्छे से खाद वाद देना पड़ेगा। तो देखिए, एडेनियम का सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो आज के वीडियो में मैं मेरा जो एक बोगनवेलिया प्लांट है वो दिखाने वाली हूँ और उसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि मैं उसको किस तरह से ग्रो करती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है मेरे बोगनवेलिया का प्लांट, देखिए लाइट पिंक कलर का है। तो सबसे पहले तो ये बहुत सालों से है मेरे पास। देखिए इसका ये आप ये तना देखकर, ट्रंक देखकर पता चल जाता है कि ये कितना मैच्योर हो गया है और कितना खूबसूरत दिख रहा है। एक बोंजाई के जैसा ही दिख रहा है। और एक बात मैं बताना चाह रही थी कि ये पहले वाइट कलर का था, पूरा वाइट कलर का था, और उसके बाद पता नहीं अपने आप ही ये ऐसे पिंक कलर का हो गया। पहले थोड़े थोड़े पिंक कलर के फूल आते थे, थोड़े वाइट आते थे, इस तरह से कुछ हुआ। और उसके बाद फिर ये पूरा देखिए, इस बार खिला है तो पूरा पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का हो गया है। तो अगर आपके पास बोगनवेलिया है और उसमें भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहले इसको फुल सनलाइट चाहिए। देखिए मैंने अपने टेरेस में इसको ग्रो किया है, फुल सनलाइट में ग्रो हुआ है ये प्लांट। पहले ये मेरे ग्राउंड फ्लोर के गार्डन में था, पर उसको अच्छे से धूप नहीं मिलती थी तो इसमें फूल वूल नहीं आते थे और इसकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हुई थी। मरा मरा सा ये लगता था नीचे। और उसके बाद मैं इसको अपने टेरेस में लेके आई, तब से बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है और टाइम टाइम पर इसमें फूल भी आ रहे हैं। और देखिए, खाद तो मैं जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ तब मैं इसको दे देती हूँ। देखिए मिट्टी के पॉट में लगाया है मैंने। इस टाइम मैं इसको रिपोर्ट करने वाली थी पर मुझे टाइम नहीं मिला, इसीलिए ये रह गया है। तो अभी मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी, अभी तो मैं इसको बारिशों में ही रिपोर्ट करूँगी। तो फुल सनलाइट में ये ग्रो होने वाला प्लांट है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसको बहुत ही कम पानी चाहिए, माटी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए भुरभुरी सी। देखिए मैंने अभी बहुत धूप होने लगी है तो मैंने इसको सुबह पानी दिया था। और देखिए मिट्टी कैसी है, बिल्कुल ऐसी भुरभुरी सी है, सैंडी सोइल है। सैंडी सोइल में ही ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। अगर आपको इसका बोनसाई बनाना है तो पहले इसको जिस तरह मैंने इसको बड़े गमले में लगाया है उसी तरह से आप भी लगाएं बड़े पॉट में, और उसके बाद ही इसकी प्रूनिंग करते रहे, कट करते रहे, समय समय पर खाद देते रहे, तभी ये इस तरह से ग्रो होगा। और इसको मैं वर्मी कंपोस्ट 2-3 महीने में एक बार इसकी गुड़ाई करके इसकी सरफेस पे मैं दे देती हूँ। तो उसी वजह से ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। कभी कभी तो देखिए मैं देना भी भूल जाती हूँ, टाइम नहीं मिलता तो नहीं हो पाता, पर फिर भी ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। देखिए अभी यहाँ सभी जगह पे नए नए फ्लावरिंग होगी, नए पत्ते आएंगे, देखिए यहाँ भी। तो अभी ये स्टार्टिंग है, तो ये एक बार फ्लावरिंग करता है तो महीने भर तक इसके फ्लावर रहते हैं। तो इसी तरह से मैं इसको ग्रो करती हूँ, फुल सनलाइट, कम पानी और खाद समय समय पर देना है। अगर आप नहीं भी खाद देंगे, भूल जाएंगे, 6 महीने में भी एक बार देंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। और हाँ, ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, रफ एंड टफ प्लांट है। अगर आपको न्यू गार्डनिंग का शौक है और आपको लगता है कि मुझे गार्डनिंग करनी है तो आप इसको नर्सरी में से ज़रूर लाए। बहुत सारी वैरायटी होते हैं, वेरीगेटेड लीव्स वाली भी वैरायटी आती है और बहुत सारे कलर आते हैं। देखिए मेरे पास 4 कलर है, 3 तो ये यहाँ टेरेस में ही है, एक तो ये पिंक हो गया है वो, देखिए ये पूरा वाइट है,
ये भी बहुत ही खूबसूरत है, इसको भी मैं बोनसाई ही बनाऊंगी। और दूसरा है ये थोड़ा पिंकिश टाइप कलर है, ये इस तरह से है। और नीचे मेरे जो ग्राउंड फ्लोर का गार्डन है वहाँ थोड़ी सी तीन घंटे की धूप आती है, वहाँ पे मैंने उसको रखा है, तो वहाँ पे वो रेड कलर टाइप है, डार्क रेड कलर टाइप। तो इसी तरह से मैं बोगनवेलिया को ग्रो करती हूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो का एंड भी मैं इसी प्लांट से कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि सभी मेरे नए नए वीडियोस की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और नए प्लांट के साथ, उसकी जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।